हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी इन बजट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इनके बालों की हालत देख लें, किस तरह से रूखे और बिल्कुल गंदे से हो रहे हैं, ठीक है ना। और इनके कलर जो है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हालांकि अकॉर्डिंग टू हर ये कह रही थी कि ये 8 दिन में कलर करती हैं, और उसके बाद भी बालों की हालत देखें, बिल्कुल डल हो गए हैं बाल। इनमें किसी किस्म की कोई भी शाइन या कुछ भी नहीं रहा है। तो आइए, मैं आज आपके साथ एक कलर इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। ये है कलर ऑन का कलर्स हैं। ये आपको पाकिस्तान में 50 रुपीज़ का ये साशे मिलेगा इसका। इसमें आपको हर किस्म के शेड्स मिल जाएंगे। बर्गंडी मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा, डार्क ब्राउन मिल जाएगा, मीडियम ब्राउन मिल जाएगा। हर तरह के शेड्स जो हैं ये आपको मार्केट में इजीली हर शॉप पे अवेलेबल हैं। ये आपको ऑनलाइन दराज से भी आराम से मिल सकते हैं। तो ये कलर्स बहुत ही अच्छे हैं। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डार्क ब्राउन शेड। तो आइए देखते हैं इसमें अंदर क्या है और इसकी सारी खसूसियात। पैकेजिंग के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। पैकेजिंग 50 रुपये के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है। पीछे किस तरह से कलर यूज़ करना है, कैसे करना है, हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन की हुई है, बताई गई है कि किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। हर चीज़ का जो है उन लोगों ने आराम से बहुत ही खूबसूरती के साथ बताया है कि किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और ये 50 रुपये का पैक पड़ेगा साशे आपको, ठीक है। अब ये देखें, ये मैं डार्क ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। अब अगर मैं इसे खोलूँगी तो अंदर से मुझे इस तरह के 2 साशे मिलेंगे। और इनकी जो पैकेजिंग है, जो इनका पैकेट है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। दोनों कलर और जो इसमें क्रीम है, दोनों के जो है, यानी कि प्लास्टिक जो यूज़ किया हुआ है, वो भी बहुत ही अच्छा यूज़ की है। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा इन लोगों की पसंद आई। और ये देखिए, बिल्कुल इजीली विदाउट एनी सीज़र ये मुझसे कट ऑफ हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको निकाल लेंगे। ये हमारे पास है डेवलपर, और जिनके बालों पे मैं यूज़ करने वाली हूँ उनके बाल जो है बहुत ज़्यादा थिन हैं, तो ये साशे उनके बालों पे लग जाएगा। बालों की लेंथ के हिसाब से ज़्यादा कम वो आप जो है 1 साशे 2 साशे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये कलर्स जो हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि एक अरसे तक चलने वाले कलर्स हैं, बहुत ही अच्छे कलर्स हैं, ठीक है। ये इसमें डार्क ब्राउन शेड मैंने ऐड कर दिया है, जो मुझे इसी के साथ रिसीव हुआ था। ये देखिए, अच्छा खासा कलर निकल आता है इसमें से, अगर तरीके से इसको हम निकाल लें। अच्छा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ये बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटा सा काम है, अगर कर देंगे तो मेहरबानी। ओके जी, अब कलर मिक्स करने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे कि बालों को जो है सबसे पहले सेक्शंस में कर लेंगे। कलर करने से पहले बालों को सेक्शन में करना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। मैं ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करती, आई हैव एक्सपीरियंस, तो मुझे इतना वो ज़्यादा हर्ट नहीं होता। लेकिन आप ग्लव्स वगैरह का इस्तेमाल रखिएगा, क्योंकि हाथ ख़राब हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स हैं। तो आप ब्रश की मदद से अप्लाई करते जाएंगे और उसके ऊपर आप फॉर्म करते जाएंगे। उससे ये होगा कि कलर इवनली पूरे बालों में बहुत ही अच्छे तरीके से स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, जहाँ जहाँ कलर लगा रही हूँ और उसके ऊपर फिर मैं कॉम से उसको कंघा करके अंदर तक जो है वो पहुँचा रही हूँ। ओके जी, जब तक मैं कलर लगा रही हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिए। ओके जनाब, ये मैंने पूरे बालों पे बहुत ही अच्छे से पूरा कलर जो है वो लगा लिया है। अब हम वेट करेंगे 30 to 40 मिनट्स तक। ओके, फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। ये आप देखें बालों में किस तरह शाइनिंग आ चुकी है, और कलर भी आ गया है, और बहुत ही खूबसूरत कलर आ गया है। इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कलर ऑन्स के कलर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद।